राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच पर उपस्थित श्री अतुल भाई कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास बोर्ड, प्रोफेसर एनपी सिंह जी, भूतपूर्व विषि विनोबा भावे विश्वविद्यालय, प्रोफेसर एनके सिंह जी, निदेशक एमबीए विनोबा भावे, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जी, रजिस्ट्रार एकेयू पटना, श्री योगेंद्र नारायण सिंह जी, अध्यक्ष सित्योग, श्री राजेश कुमार जी, सचिव, श्री वशिष्ठ जी, न्यायाधीश औरंगाबाद, श्री विजय कुमार सिंह, रजिस्ट्रार सित्योग, डॉक्टर एम पी सिंह जी, प्रोफेसर एनआरटी पटना, श्री विश्वनाथ सिंह जी, मेरे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जेडीयू, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं, प्रचार शिक्षक शिक्षिकागण, सभी कॉलेज के कर्मचारीगण, प्रेस के सभी मीडिया बंधुओं, साथियों, मित्रों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी इस बार हम लोग इस समय पर नहीं आ पाए क्योंकि काफ़ी जाम थी रोड पर और लंबे समय से एक बड़ी विशाल शब्द पर बहस चल रही है जो इस जीवन में सभी लोगों के, यदि इस देश के प्रति यदि जागरूक हैं, नैतिकता के प्रति यदि जागरूक हैं, दायित्वों को निर्वहन करने के लिए यदि जागरूक हैं, इन सभी लोगों में मोरल की आवश्यकता है। विदाउट मोरल आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो आप डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं उस डेस्टिनेशन को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज एक बड़ी लंबी विषय जो आज के हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यकता है, आपसे बड़ी उम्मीदें। आप देखो, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, टेक्निकल हो, आप एक्सपर्ट बनने जा रहे हो, प्रोफेसर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आपके सामने एक बड़ी दायित्व है जिसमें जगह जगह पर आपके मोरल आपको इस राज्य हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और जिस परिवार में आप जन्म लिए हैं उसका भी नाम रोशन करने के लिए आपके पास मोरल। आप एक महज एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आपके सामने एक दायित्व सिर्फ अपने जीवन का निर्वहन करना नहीं है, जीविकोपार्जन करना नहीं है, आपके सामने एक दायित्व सिर्फ परिवार का जीविकोपार्जन और उनको सुखमय करना यही दायित्व नहीं है। आप जब यहां से निकलेंगे तो आपको बकेट भर के आपको जिम्मेवारी मिलेगी, तमाम जिम्मेवारियों के साथ आप जाने वाले हैं और मोरल के साथ, ईमानदारी के साथ, चरित्रों को निर्माण कर आपको दायित्व को निर्वहन करना है। अपनी जीविकोपार्जन के साथ, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के साथ इस राष्ट्र की स्वाभिमान की रक्षा, इस राज्य की आर्थिक समृद्धि की दायित्व और सभी आपको चरित्रों के साथ इस राज्य और राष्ट्र को निर्माण में आपकी अहम भूमिका हो। देखो, आज पूरी आधुनिकता की दौर चल रही है, तेजी से आधुनिकता हावी है, फिर भी हमारी संस्कृति इतनी मर्यादित है, उसके मानक पर हम यदि खरा उतर गए तो उसी में हमारी सारी मोरल है, उसी में इस भारत के निर्माण और राज्य के निर्माण छुपी हुई है। इसलिए हमें इस मानक को यदि अपनी संस्कृतियों को यदि समझते हैं, उसमें सारी संस्कार की परिभाषाएं परिभाषित की हुई है, हम चाहे जितनी भी टेक्निकल और तकनीकी के क्षेत्र में जाएं, लेकिन इस भारत की संस्कृति हम इसको जाने। देखो, ये देश हमारी दुनिया के साथ चल रही है, इसलिए आज थोड़ी एक्सपोजर की जमाना आया है, लेकिन हमारी भाषाएं जो रही है, हमारी अपनी भाषा, यहाँ संस्कृत शिक्षा के बैठे हुए हैं, तो वो ये संस्कार वाली शब्द है हम चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि देखो, ये देश दुनिया के साथ चलती है, थोड़ी एक्सपोजर की जमाना आया है। आज चाहे कितने भी ब्रिलियंट हो, यदि आप बेटर इंग्लिश नहीं जानते हो तो दुनिया के किस दौर में पीछे रह जाओगे। इसलिए मैं उसकी हिमाकत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आपको एक्सपोजर होना है, आपको अच्छा इंग्लिश भी जानना है, वरना इतिहास गवाह है कि सोवियत संघ और चाइना और जापान जैसे कंट्री अपने भाषा पर इतनी घमंड रखा था,
कि दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभरा था तो उसके बीच में कहीं इंग्लिश जैसे एक्सपोजर बनने के लिए कोई लाइफ में उसको आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अपनी भाषा पर उसे गर्व था, अपनी संस्कृति पर उसे घमंड थी और पूरे मोरल के साथ जापान दुनिया की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ा, रसिया महाशक्ति सोवियत संघ के रूप में जाना गया, साथ साथ चलने वाला चाइना इस विश्व के पटल पर एक मानचित्र में एक अलग स्थान बनाया हुआ है अपनी भाषा के बदौलत। लेकिन हम दुनिया के साथ चलने वाले हैं लेकिन संस्कृति को नहीं छोड़ना। देखो दुनिया में जितनी भी काम करेंगे यदि अपने संस्कार को जानेंगे तो यहाँ का आई कॉन्टेक्ट, यदि एक कोई विद्वान के साथ भी हमारी आई कॉन्टेक्ट मिलती है तो मैं कहता हूं कि तुम्हारी मानक और तुम्हारी विद्वता और तुम्हारी जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है हमसे कहीं अधिक नहीं है, तो आई कॉन्टेक्ट उससे मिल जाएगी। इसलिए चरित्र का निर्माण क्यों करते हैं, चरित्र वो जो आप कभी झुके नहीं, चाहे विद्वान कितने भी हो, चरित्रवान कितने भी हो, उनके साथ हमारे आंख में आंख मिल गया तो समझो कि हमारे पास कोई मोरल है। तब मैं बात करता हूँ मोरल है क्या, जो दायित्व मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, ईमानदारी के साथ उस दायित्व को निर्वाह करना हम सभी लोगों की जरूरत है। किसी को मंत्री के रूप में, किसी को प्रोफेसर के रूप में, किसी को प्रचारक के रूप में, शिक्षक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, जो भी टॉपिक मिला है, जो भी दायित्व मिला है, उस दायित्व को ईमानदारी से निर्वहन करके हम अपनी मोरल को बढ़ाएंगे और राष्ट्र के भी निर्माण में भूमिका होगी और राज्य के भी निर्माण में भूमिका होगी। मोरल यही है, इसकी डिफिनेशन नहीं है। आपके विचारों को क्रियान्वयन इस राज्य के हित में हो जाए, देश के हित में हो जाए और समाज की सर ऊंचा हो जाए, वो क्रियान्वयन मोरल से जुड़ा हुआ सवाल बन जाता है। इसलिए हमें जो भी करना है वो राज्य के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो। इसलिए आप सबको कहा कल आने वाले देश, कल आने वाले बिहार आपको खोज रहा है, आप पर उम्मीद किया हुआ है, आपको बकेट ऑफ जिम्मेवारी दिया हुआ है। आप अभी लाइब्रेरी से फ्री हो लेकिन यहाँ से जब निकलोगे एक जिम्मेवारियों की बहुत बड़ी बोझ लेकर चलोगे और ऐसा बोझ जिसमें अपनी दायित्व, परिवार की दायित्व, साथ साथ राज्य की समृद्धि और राज्य और देश की स्वाभिमान भी आपके माथे पर होगा। इसलिए आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगी, हर नागरिक को एक जिम्मेवारी है। देखो इस भारत की कभी कभी बहस चलता है तो युवाओं की कभी भूमिका पर बातें होती है, आर्थिक समृद्धि में आपकी भूमिका क्या रही है, आज आपकी भूमिका युवाओं की भूमिका नगण्य सा दिखता है। इसलिए हम लोगों ने, हमारी सरकार ने कई एक योजनाएं भी बनाई है कि आने वाले दिनों में इस भारत की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सुदृढ़ीकरण में इस राज्य में युवाओं की भूमिका दिखे। इसलिए आप एक्सपर्ट ब्रेन हो, आपके सामने देखो आज कई एक चुनौतियां हैं। इसलिए मैं आप सब से आग्रह करना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ युवा हमेशा समय के परिप्रेक्ष्य में चुनौतियों को सामना किया है और चुनौतियों को लिया है। आज के परिप्रेक्ष्य में युवाओं की क्या चुनौतियां है ये समझना होगा और जब सित्योग जैसे विद्यार्थी और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र यदि आज चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे तो कल ये भारत पर बड़ी एक बोझ बनी रहेगी और उस बोझ को और उस समस्या की समाधान को फिर कौन करेगा। इसलिए समस्या है, आज देखो इस देश में युवाओं की रोजगार की भारी कमी हो रही है, आधुनिकता के दौर में सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट घट रही है। इसलिए आज मैं आप सबको एक टास्क भी देकर जाना चाहता हूँ कि आपके सामने और आज के युवाओं के सामने चुनौती सिर्फ नौकरी पाने का नहीं है, ये पढ़ लिख कर आप एक्सपर्ट ब्रेन हो, नौकरी पाना चुनौती नहीं है, नौकरी देना चुनौती है। इसलिए देता हूँ चैलेंज को स्वीकार करो, जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनना चुनौती है। इसलिए हम हमारी सरकार ने आपको पढ़ लिख करके चाहती है कि हमारे बिहार के युवा सारे उद्यमी बने, एक्सपर्ट ब्रेन उद्यमी बने, आप इसमें से 20 लड़के क्रिएटर बन जाओगे, प्रोवाइडर बन जाओगे, सारे एवरेज स्टूडेंट्स से भी जॉब भी मिलेगा और दोनों जो चैलेंज है और देश की जो आज वर्तमान परिस्थितियों की चैलेंज है वो चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे हमारे विद्यार्थी। ऐसे कई एक चीजें हैं, आप सामान्य चीज सामान्य बातों को नहीं, आप देखो पढ़े लिखे और इस प्रोफेशनल कॉलेज के आप स्टूडेंट्स हो, आपके अपने जीवन के साथ साथ
पूरी राज्य की और देश की चिंताएं भी आपके साथ होनी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में सभी चीजों की गुणवत्ता गिरी है, लेकिन हमें हारना नहीं है, विषम परिस्थितियों में भी टेक्निशियन बनना है। आज हम लोग कहते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय देखो बहुत चीजें नहीं था, हम लोगों ने पास आउट हुए थे तो कंप्यूटर को देखा था। आज आपके सामने तो तकनीकी साधने मौजूद कर दी गई है। हम लोगों ने एक ऑथर का यदि बुक्स खरीदना रहता था तो पैसा भी लिमिटेड मिलता था, दूसरी राइटर का बुक्स हम लोग कहाँ से उपलब्ध कराए ये सोचना पड़ता है। तो आप सबके पास तो आज देखो मोबाइल है, नेट है, एक बार दबाओगे जिस राइटर का तुमको चाहिए मिल जाएगा। लेकिन एक और आग्रह करना चाहते हैं कि देखो जो बात मोरल की आज हो रही है, ये कंप्यूटर और लैपटॉप बहुत दो चीजों में इसको जब बांटोगे तो यही पर मोरल है और यही पर मोरल नहीं है। जहां कहा गया चरित्रों की बात, अब दो विद्वानों की बात मैं कह देना चाहता हूं जो धर्मशास्त्र से भी जुड़ा हुआ सवाल है। एक राम भी थे और रावण भी थे, दोनों को विद्वता की चर्चाएं जब होती है धर्मशास्त्रों और इतिहासों में और ये पता नहीं चलता है कि कौन कितना विद्वान था, दोनों विद्वता की महारत हासिल किया हुआ था, लेकिन राम ने निर्माण की काम चुना था, मोरल के साथ निर्माण किया था और रावण ने वही विध्वंस की काम चुना था। इसलिए लोगों ने निर्माण के काम करने वाले व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम के राम में के रूप में जाना और एक विनाशकारी के रूप में जाना। ऐसे ही इस मोबाइल है, इस मोबाइल में देख लो दुनिया की सभी निर्माण की काम इसमें है और विध्वंस की काम इसी में है, इसी में राम और रावण दोनों है। चुनाव तुमको करना है, विषय आज मोरल है, यदि मोरल को तुम चाहते हो कि अपना लेना है तो राम रूपी काम जो उसमें दिख रहा है निर्माण की भूमिका में तुमको नजर जब आओगे तो तुम्हारी ये मोरल दुष्टेड होगी और तुम्हारी प्रशंसा होगी और उसी दिन राम के रूप में तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप के और रास्ते पर आप तुमको जाने जाओगे। इसलिए मोरल की परिभाषा हम लोगों की समझ में हर व्यक्ति को एक मानक बनी हुई है, यदि उस मानक को तय कर लोगे जीवन की सभी काल में मोरल दिखेगा और सभी कामों में तुम्हारी तजुर्बा तुम्हारी कामों की तजुर्बा से लोग जान करके वो भी मोरलिस्ट बनेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि आज आप सबों के बीच में कुछ हमें कहने को मिला और भारत के भविष्य के लिए और राज्य के निर्माण के लिए आज की चर्चाओं को मैं धन्यवाद देते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जो टॉपिक मिली है मैं उसे मोरल के साथ, ईमानदारी के साथ, चरित्रों के साथ मैं समाज के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सके। बहुत 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 खूब। इन योर मोबाइल वेरी नाइस एग्जाम्पल।